आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। जी हाँ, ये है एक पौराणिक कथा। भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी रुद्राक्ष की उत्पत्ति। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर नहीं तो हमारे इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने वाले हैं। जी हाँ, कि कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति। रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से मानी जाती है। इस बारे में कथा हम प्रचलित है। कहते हैं एक बार भगवान शिव ने अपने मन को वश में करके दुनिया के कल्याण के लिए सैकड़ों सालों तक तप किया। एक दिन अचानक ही उनका मन दुखी हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें से कुछ आंसू की बूंदें गिर गईं। इन्हीं आंसू की बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। शिव हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी लीला से उनके आंसू ठोस आकार लेकर जड़ हो गए। शिव पार्वती को प्रसन्न करना हो तो रुद्राक्ष धारण किया जाता है। रुद्राक्ष एक प्रकार का जंगली फल है जो बेर के आकार का दिखाई देता है। हिमालय में उत्पन्न होता है। रुद्राक्ष नेपाल में बहुत पाया जाता है। इसका फल जामुन के समान नीला और बेर के स्वाद सा होता है। ये अलग अलग आकार और रंगों में मिलता है। जब रुद्राक्ष का फल सूख जाता है तो उसके ऊपर का छिलका उतार दिया जाता है। इस गुठली के ऊपर से 1 से 14 धारियां बनी रहती हैं। इन्हें ही मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष को आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम श्रेणी, जो कि रुद्राक्ष आकार में आंवले के फल के बराबर हो, वो सबसे उत्तम माने गए हैं। मध्यम श्रेणी, जिस रुद्राक्ष का आकार बेर के फल के समान हो, वो मध्यम श्रेणी में आता है। और निम्न श्रेणी, जिसका आकार चने के बराबर होता है, वो निम्न श्रेणी का होता है। जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने खराब कर दिया हो, वो टूटा फूटा हो या फिर पूरा गोल ना हो, वो नहीं धारण करना चाहिए। या फिर जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, उसे भी धारण नहीं करना चाहिए। वही जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो गया हो, वो उत्तम होता है। सफेद रंग का रुद्राक्ष ब्राह्मण वर्ग का, लाल रंग का क्षत्रिय, मिश्रित रंग का वैश्य और श्याम रंग का शूद्र कहलाता है। तो ये तो थी रुद्राक्ष की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।